जियो में एक के बाद एक पैसे लगाने वालों का तांता सा लगा हुआ है। हर कुछ दिन के बाद एक नया इन्वेस्टर जियो में इन्वेस्ट करने आ जाता है। अब हाल ही में देखिए, जियो प्लेटफॉर्म में 0.93% हिस्सेदारी के लिए टीपीजी ने 4,546.80 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। टीपीजी के निवेश पोर्टफोलियो में एयरबीएनबी, उबर और स्पॉटिफाई जैसी कंपनियां हैं। इस डील के साथ ही अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म में 7 सप्ताह में 9वें इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो गया है। टीपीजी द्वारा इस ऐलान के बाद अब तक जियो प्लेटफॉर्म ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी जुटा ली है। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म अब दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी बन गई है जिसने लगातार इतना बड़ा निवेश हासिल किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल स्टेक 21.99% है और कंपनी ने इन निवेश के जरिए अब तक 1,02,432.15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। आपको बता दें, वैश्विक लॉकडाउन के बीच जियो ने ये सभी डील्स हासिल की है, जो कि दर्शाता है कि भारत के डिजिटल क्षेत्र में कितनी बड़ी संभावना है। इसमें जियो की टेक क्षमता, बिजनेस मॉडल और लंबी अवधि में ग्रोथ की क्षमता भी प्रदर्शित होती है। टीपीजी ने जियो के इक्विटी वैल्यूएशन 4.91 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइजेस वैल्यूएशन 5.16 लाख करोड़ रुपए को आंका है। टीपीजी के ठीक पहले 7 जून को आबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी जियो प्लेटफॉर्म में 1.16% के स्टेक के लिए 5,683.5 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया था। जियो में इतनी बड़ी स्तर पर निवेश की शुरुआत तब हुई थी जब 22 अप्रैल को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया था। इसके बाद से अब तक जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, केकेआर, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी और अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जियो में निवेश कर चुकी है। वर्तमान में जियो के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। वहीं टीपीजी की अगर बात करें तो टीपीजी एक वैश्विक असेट फर्म है जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ये कंपनी प्राइवेट इक्विटी, ग्रोथ इक्विटी, रियल एस्टेट, क्रेडिट व पब्लिक इक्विटी के जरिए 119 अरब डॉलर की संपत्ति को मैनेज करती है।